नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि लास्ट दो वीडियो से मैं आपको कुंडली देखने के कुछ नियम बता रहा हूँ, जो स्पेशल नियम हैं और शास्त्रों में वर्णित हैं और जो बहुत ही ऑथेंटिकेटेड हैं, जिनके द्वारा आप कुंडली को देख सकते हैं, कुंडली का रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और यूं कहें कि निश्चित रूप से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं अगर उन नियमों के अनुसार आप चलेंगे। तो आज उन्हीं नियमों को आगे करते हुए, थोड़ा और आगे बताते हुए मैं उसको बताता हूँ आपको इसी वीडियो में, और ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं बताता हूँ आपको। प्रेजेंटेशन मैंने लगा दिया इसके ऊपर। इसके अंदर एक नियम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। वो कहता है कि द्विस्थानाधिपतित्व स्वयं अस्ति यदि चेन मुख्यम त्रिकोण क्षजम तस्यार्ध स्वगृहे अस्ते पूर्व भयोर्य दशाशादो वदेत। यानी ये कहता है कि जैसे हर घर के दो स्थान होते हैं, द्विस्थानाधिपति स्वामित्व, यानी दो स्थानों का स्वामी होता है ग्रह, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो दो स्थानों का ग्रह अक्सर प्रतिनिधि करता है, दो दोनों का स्वामी होता है। तो वो कहते हैं कि जिस घर में, जिस भाव में उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि होती है, उस भाव का फल वो अधिक करता है। इस श्लोक का अर्थ है, यानी अब जो ग्रह है, जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी, उसका प्रभाव वो ज्यादा लेके चलेगा। यूं कहिए कि 75% प्रभाव वो उसी का लेके चलेगा जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि है। फल दूसरी राशि का भी करेगा, लेकिन मूल त्रिकोण राशि का फल प्रबलता से करेगा। अब जैसे आप लगा लीजिए कि सिंह लग्न कुंडली आप देख सकते हैं, तो सिंह लग्न कुंडली में पांचवें और आठवें घर का मालिक बनता है कौन? बनता है बृहस्पति। सिंह लग्न कुंडली के पांचवें और आठवें घर का मालिक बृहस्पति बनता है, तो पांचवें घर में उसकी 9 नंबर राशि आती है। अब 9 नंबर राशि आती है, 9 नंबर राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो ऐसे में अब 9 नंबर राशि जब उसकी उसमें आ गई, पंचम घर शुभ है और पंचम घर में उसकी 9 नंबर राशि है, तो वो मूल त्रिकोण राशि का यानी पंचम घर का फल तो ज्यादा करेगा और आठवें घर का फल कम करेगा। इसके विपरीत अगर बृहस्पति की एक राशि दुष्ट स्थानों में हो, यानी कि 6, 8, 12 भावों में हो मूल त्रिकोण राशि, और दूसरी राशि आपकी अलग भावों में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, अलग भावों में हो, तो उस केस में क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 भाव में चली गई, तो वो वहां का फल तो करेगा करेगा, उसके अलावा वो वहां का प्रभाव रखेगा, अष्टमेश होने का, षष्ठेश होने का या द्वादशेश होने का प्रभाव वो हमेशा रखेगा। और जब भी वो रिजल्ट देगा तो उसके अंदर अष्टमेश के प्रभाव, षष्ठेश के प्रभाव और द्वादशेश के प्रभाव आएंगे। इसलिए मूल त्रिकोण राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना जरूरी है कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कहाँ है। कई बार हम लोग देखते हैं कि मंगल बैठा है साथ में किसी ग्रह के, या शनि बैठा है किसी ग्रह के साथ में, या शुक्र बैठा है किसी ग्रह के साथ में, तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन मान लिया शुक्र बैठा है, शुक्र जो है शुभ ग्रह, पर वो किसी ग्रह के साथ बैठा है, तो हम कहते हैं युति अच्छी है क्योंकि शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। बट हो सकता है कि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है 7 नंबर, वो 6, 8, 12 भाव में हो, तो उस केस में शुक्र अष्टमेश हो गया, शुक्र षष्ठेश हो गया, शुक्र शुभ ग्रह ना होते हुए अष्टमेश होने का फल करेगा। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर ये ग्रह अष्टमेश के साथ बैठा है या षष्ठेश के साथ बैठा है, तो ये चीज भी ध्यान देने वाली है इसके अंदर। दूसरा वो ये कहते हैं कि फल कैसे मिलते हैं, मतलब वो कहते हैं कि जो पहला जो लग्न से जो राशि पहले आती है किसी भी ग्रह की, जो पहले राशि आती है उसके फल पहले मिलते हैं, जो दूसरे नंबर पर राशि आती है उसके फल बाद में मिलते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि के फल प्रबलता से मिलते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसका अगला श्लोक क्या कहता है, वो कहता है कि किन ग्रहों की दशा अंतर दशा में किन किन भावों का नाश होगा। यद् भावेशस्य विशत्रु ग्रहो वा यो वा खेटो बिंदु शून्य रक्षयुक्त तत्तादे पाके मूर्ति भावादिकानां नाशम। मतलब ये क्या चीज कहना चाह रहा है, यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अक्सर क्या करते हैं हम, देख सोचते हैं कि ये किसी ग्रह की दशा चल रही है तो यार ये बार अपना तो ये इस ग्रह की दशा में ये वाला भाव एक्टिव हो रहा है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रह की दशा में जो भाव एक्टिव होते हैं, क्योंकि ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो अपनी दशा में कौन से भाव एक्टिव करेगा,
वो अपनी दशा में एक्टिव करेगा जिस भाव में बैठा है, जिस भाव को वो देख रहा है, या काल पुरुष की कुंडली में जिन भावों का स्वामी वो होता है, या काल पुरुष की कुंडली में जिन भावों का कारक वो होता है, या जिन भावों का उस कुंडली के अंदर वो स्वामी है, यदि वहां कोई नहीं बैठा है ना कोई उसको देख रहा है, तो उन भावों का रिजल्ट करेगा। लेकिन उसके अलावा भी कई बार अलग भावों का रिजल्ट मिल जाते हैं, वो क्या? तो उसी के लिए ये श्लोक कहते हैं कि किन किन ग्रहों की दशा अंतर दशा में किन किन भावों का हानि होगी, किन भावों की हानि होगी, कब? जो भावेश का अधिशत्रु ग्रह, मान लिया हम चौथे भाव का विचार कर रहे हैं कि चौथे भाव की हानि कब होगी, या पांचवे भाव का विचार कर रहे हैं कि पांचवे भाव की हानि कब होगी, तो हम कुंडली में देखेंगे कि चौथे भाव का या पांचवे भाव का जिसकी हानि का हम विचार कर रहे हैं उसका अधिशत्रु ग्रह कौन है। अधिशत्रु तो हम निकाल जानते ही हैं पंचदा मैत्री से, कि वैसे भी शत्रु हो, नैसर्गिक रूप से भी शत्रु हो और पंचदा मैत्री के अनुसार भी शत्रु हो, तो हम उसको अधिशत्रु ग्रह कहेंगे। तो अधिशत्रु ग्रह इंपॉर्टेंट होता है बहुत, अधिशत्रु ग्रह। तो अगर आपने ये नोट कर लिया कि साहब चौथा घर मुझे देखना है, या मेरा तीसरा घर है, या मेरा पांचवा घर है, और मुझे अपने इस पांचवें घर के बारे में देखना है, संतान सुख के बारे में देखना है, या बुद्धि विवेक के बारे में देखना है, या हायर एजुकेशन के बारे में देखना है, तो आप ये देखेंगे कि जो पांचवे भाव के अधिशत्रु ग्रह हैं, अधिशत्रु ग्रह हैं यानी ऐसे ग्रह जो पांचवे भाव का स्वामी का मित्र भी नहीं है, शत्रु है वैसे रूप से, और पंचदा मैत्री के अनुसार भी वो शत्रु आता है। पंचदा मैत्री के मतलब 2, 3, 4, 10, 11, 12, यानी कुंडली में दूसरे तीसरे चौथे और दसवें ग्यारहवें बारहवें बैठे ग्रह जो होते हैं वो आपके मित्र हो जाते हैं। हर ग्रह से दूसरा तीसरा चौथा दसवां ग्यारहवां बारहवां भाव में बैठा ग्रह वो तत्कालिक रूप से आपका मित्र हो जाता है। तो अगर तत्कालिक रूप से भी शत्रु है वो और वैसे भी शत्रु है तो वो नैसे अधिशत्रु हो जाएगा। तो उस अधिशत्रु की दशा में उस भाव का यानी पांचवें भाव का नुकसान होगा, उस भाव की हानि। दूसरा वो कहते हैं बिंदु शून्य रक्ष युक्त, ये क्या बोलते हैं? यो वा खेटू, ये बोलते हैं कि जिस ग्रह के अपने अष्टक वर्ग में शून्य बिंदु हो, जिस भी भाव में, शनि का अष्टक वर्ग हो सकता है, शुक्र का अष्टक वर्ग हो सकता है, मंगल का अष्टक वर्ग होता है, तो आप अपने कुंडली में किसी भी ग्रह का अष्टक वर्ग देखिए, मान लिया मंगल की दशा चल रही है या शुक्र की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, आपने देखा कुंडली में हिसाब मेरी शनि की अंतर दशा चल रही है, क्योंकि अंतर दशा का इफेक्ट ज्यादा होता है इंसान के ऊपर, तो इसलिए अंतर दशा पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि अंतर दशा आपकी शनि की चल रही है, तो शनि का अष्टक वर्ग आप देखिए अपनी कुंडली में, और शनि का अष्टक वर्ग देखिए, देखिए कि शनि ने अष्टक वर्ग में कहीं पे कोई किसी भाव में ऐसी जगह है जहां पे पॉइंट जीरो हो या पॉइंट एक नंबर ही पॉइंट हो खाली, या जीरो पॉइंट हो, पॉइंट बहुत कम हो, मतलब यानी दो या दो से कम पॉइंट वहां पर हो, तो उस केस में क्या होगा? उस भाव को भी शनि अपनी अंतरदशा में बिगाड़ेगा। शनि की अंतरदशा चल रही है, अब शनि की अंतरदशा चल रही है तो आपने देखा कि शनि ने आपके अष्टक वर्ग में कहां पे बिंदु नहीं दिया है, तो जहां पे बिंदु नहीं दिया है तो उस भाव की कष्ट होंगे। मान लिया शनि की महादशा है या शनि की अंतरदशा है और शनि के अष्टक वर्ग में पांचवें भाव में कोई बिंदु नहीं है, तो आपको पांचवें भाव संबंधित जो भी कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पांचवें भाव संबंधित प्रॉब्लम आपको होगी। हायर एजुकेशन संबंधी कष्ट आपको हो सकता है, संतान संबंधी कष्ट आपको हो सकता है, बुद्धि विवेक संबंधी कष्ट आपको हो सकता है, मंत्री पद मिलने में आपको परेशानी हो सकती है, तो ये सब चीजें इसकी दशा में हो सकती है अगर उसके अपने अष्टक वर्ग में उसने किसी भाव में बिंदु नहीं दिए, बिंदु दिए हैं तो अच्छी बात। उसके बाद ये कहते हैं सोचे, हाँ इस ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है चाहे कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, स्वत क्षेत्र गतो ग्रहेंद्रे, चाहे वे मित्र के क्षेत्र में हो, चाहे वे पूर्ण षडबल से संपन्न हो, मतलब गैस जो ग्रह है आपका, देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्टडी करें तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो ग्रह आपका है वो राशि अंत पे तो नहीं है, राशि अंत पे मतलब आपका 29 डिग्री से ऊपर तो नहीं है या 1 डिग्री से कम तो नहीं। अगर जहां पे कोई ग्रह 29 डिग्री से ऊपर है या 1 डिग्री से कम है उस चीज को जरूर नोट कर लेना चाहिए। वैसे जो वो बाल्यावस्था, युवावस्था, कुमारावस्था, वृद्धावस्था जो स्पेसिफाई की गई है इनके अंदर वैदिक शास्त्रों में, उसका उपयोग इसमें नहीं करना है कुंडली एनालिसिस के अंदर, उसका उपयोग सिर्फ प्रश्न शास्त्र में होता है,
यहाँ पे उसका उपयोग नहीं करना है, यहाँ पर उपयोग करना है आपको कि ग्रह बस 29 डिग्री से ऊपर ना हो और 1 डिग्री से कम ना हो। अगर 1 डिग्री से कम है या 29 डिग्री से ऊपर है ग्रह, तो ग्रह वो जिस भाव में बैठा है उस भाव का फल वो नहीं दे पाएगा, अपना पूर्ण फल देने में वो असमर्थ हो जाएगा। आपने देखा कि भी आपका ग्रह ये बहुत अच्छा है, दशा भी आ रही है इसकी, और ये ग्रह पांचवें भाव में बैठा हुआ है, तो पांचवें भाव के दीवार तो फल बहुत अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन आपको पांचवें भाव के फल अच्छे नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पांचवें भाव में बैठा तो है, बट है मुश्किल से वो कुछ मिनट के लिए हुए, 1 डिग्री से कम का है या 29 डिग्री से ज्यादा का है, 29 डिग्री 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि ग्रह की डिग्री कितनी है, बस ये 2 डिग्री ध्यान रखनी है, 29 से ऊपर और 1 से नीचे। फिर ये मंत्रेश्वर जी ने कुछ कारक बताए हैं, क्योंकि कुंडली एनालिसिस करते हुए कारकों का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। वो कहते हैं सूर्यदात, सूर्यदात्मा यानी सूर्य से आत्मा, पितृ, पितृ मीन्स पिता, प्रभाव निरुंजन, प्रभाव स्वास्थ्य, शक्तिम श्रियम चिंतियेत, और लक्ष्मी का विचार करना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं? वो कहता है कि सूर्य से आत्मा का विचार, पिता का विचार, शक्ति का विचार, हेल्थ का विचार करना चाहिए और धन का विचार करना चाहिए। चंद्र से कहा है चेतो बुद्धि न, चेतो बुद्धि न प्रसाद जननी संपत्त कर श्र चंद्रमा। ये क्या बोलते हैं? वो करते हैं कि बुद्धि का विचार चंद्रमा से, मन का विचार चंद्रमा से, राजा की कृपा, नृप प्रसाद, नृप प्रसाद मीन्स कि राजा की कृपा, माता और जननी जो लिखा हुआ है नृप प्रसाद जननी, माता और संपत्ति का विचार चंद्रमा से करना चाहिए। तो चंद्र से क्या विचार करना चाहिए? मन का, बुद्धि का, राजा की कृपा होगी नहीं होगी, माता और संपत्ति का विचार करना चाहिए। अगर चंद्र कमजोर है, चंद्र बली है, तो इस तरह से इसके भाव, ये रिजल्ट आपके घटते या बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार मंगल से गुण, छोटे भाई, पृथ्वी, शत्रु आदि का विचार करें, ये मंगल से विचार करना चाहिए। विद्या का, बंधु का, विवेक का, मामा का, मित्र का, वाणी का, और इवन बहन का भी विचार करते हैं वो, और कार्य क्षमता का यानी आपकी वर्क एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता का भी विचार उसमें बहुत बोला हुआ है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कार्य क्षमता कितनी आपकी है। आप कार्य तो करते हैं लेकिन क्षमता कितनी है, वर्क एफिशिएंसी कितनी है आपकी, मतलब आप कितनी जल्दी कोई काम कर पाते हैं, कितनी फास्टली कोई काम कर पाते हैं और कितनी प्रोडक्टिव रूप से आप कोई काम कर पाते हैं, तो वो भी उसका विचार बुध से करें। अगर बुध आपका कुंडली में बलवान है तो हम कह सकते हैं कि भाई इस आदमी की कार्य क्षमता जो होगी, वर्क एफिशिएंसी, वो बहुत अच्छी होगी, ये काम को जल्दी करेगा, काम को सिंसेरिटी से करेगा और काम को हायर प्रोडक्टिविटी के अनुसार करेगा, जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करेगा, काम को आलस में नहीं लेगा। फिर कहते हैं कि प्रज्ञा वित्त शरीर पुष्टि, प्रज्ञा मीन्स प्रज्ञा धन, वित्त मीन्स धन हो गया, शरीर, शरीर की पुष्टि हो गई, पुत्र, पुत्र ज्ञान का विचार गुरु से करें। जो धन वगैरह होता है, ज्ञान होता है, संतान होती है, उसका विचार गुरु से करें। पत्नी का विचार, सवारी का विचार, पत्नी है, वाहन है, आभूषण है या प्रेम संबंध है, इनका विचार जो होता है वो शुक्र से करते हैं। कामनाएं हैं इंसान की, जो भी कामनाएं हैं वो शुक्र से विचार करें उसका। आयु, जीवन, जीविका, मृत्यु का कारण, दुख का कारण, विपत्ति और नौकरी का विचार शनि से करें, और राहु से बाबा का, केतु से नाना का विचार किया जाता है। एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुंडली देखते हुए तो आपको देखना ही देखना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जिस भाव का विचार करते हैं तो प्राय हम लोग भाव और भावेश को देख लेते हैं कि भाई भाव कैसा है, भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह बैठा है, भाव भाव कत्री में तो नहीं, भाव में कोई उच्च ग्रह है या नहीं है, भाव का स्वामी भाव को देख रहा है या नहीं है, ये देख लिया हम लोगों ने। इसी प्रकार भावेश को देख लेते हैं कि भावेश कहाँ गया है, केंद्र में, त्रिकोण में, लाभ भाव में कहाँ गया है, लेकिन कारक पे ध्यान नहीं रखते। स्थिर कारक जो होता है आपका, हर भाव का स्थिर कारक है, जो मैंने पीछे आपको वीडियो में बताए हैं, तो वो आप नहीं याद हो तो वो पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, शायद कुंडली के नियम 1 पार्ट में या 2 पार्ट में उसके बारे में बताया गया है। तो कारक का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कहा जाता है कि भाव से बलवान भावेश और भावेश से बलवान कारक। अगर भाव और भावेश तो अच्छा है, अब कारक बिगड़ा हुआ है, तो
तो आपको सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा, आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रहेगी। जैसे कहते हैं कि किसी स्त्री के बारे में विचार करना है, किसी का सप्तम और सप्तमेश तो बिगड़ा हुआ है, किंतु शुक्र बड़ा बलवान है। सप्तम भाव और सप्तमेश ये अच्छा है, ये बिगड़ा हुआ है, लेकिन शुक्र बलवान है। तो ऐसे में क्योंकि शुक्र कारक है तो स्त्री का सुख प्राप्त होगा। आप इसका उल्टा लीजिए कि सप्तम और सप्तमेश तो अच्छे हैं, सप्तम भाव अच्छा है, सप्तमेश भी अच्छा है, पर शुक्र बिगड़ा हुआ है। शुक्र से चौथे सातवें आठवें पाप ग्रह बैठे हुए हैं, या शुक्र छह आठ बारह भावों में बैठा हुआ है, शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसे केस में स्त्री का सुख नहीं होता जितना होना चाहिए। तो कारक की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, कारक को भी पूरी पूरी इंपॉर्टेंस लगा के चलिए कि भाव भावेश अच्छा हो, और अगर कारक अच्छा ना हो तो उससे भी हमें पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाता। तो भाव भावेश और कारक तीनों को ही देखना चाहिए, और उसी के बाद भाव का बल विचार करना चाहिए और कुंडली की एनालिसिस करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ता है। और कोई हमारा बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो हम लोग दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं बैच अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एडवांस का, उसमें एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।